ट्रू स्टोरी के नाम पे झूठ परोसता हुआ एक झूठा इंसान आपके इमोशन से ना सिर्फ खेल रहा है लेकिन आपके पैसे बटोर रहा है। वरना भारतीय जनता पार्टी के नेता को यह नसीहत देना विवेक अग्निहोत्री द्वारा कि भैया फ्री में मत दिखाओ, टिकट खरीदवाओ, क्योंकि वही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा निकल के आई है। कश्मीर फाइल्स नाम की बकवास फिल्म बनाने वाले श्री विवेक अग्निहोत्री ने फिर एक बार सुर्खियां छुई हैं। रेवाड़ी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता लोगों को मुफ्त में फिल्म दिखा रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है देखो, जाने किस किस ने कहा है देखो। तो रेवाड़ी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी वाले पागल होकर के लोगों को मुफ्त में दिखा रहे थे। अब इस पे भी श्री विवेक अग्निहोत्री परेशान हो गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उस भारतीय जनता पार्टी के नेता को मशवरा दिया, सलाह दी, नसीहत ये दे डाली, मुफ्त में मत दिखाओ, टिकट खरीदो, क्योंकि असली राष्ट्रवाद तो तभी है जब जनता अपनी जेब से पैसे निकाल के टिकट खरीद के देखे। इसका क्या मतलब? इसका एक ही मतलब है कि वो बेवकूफ आदमी जो आप लोगों को महाबेवकूफ बना रहा है गलत स्टोरी दिखा करके, और बहुत से लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं क्योंकि वो लोग ही बेवकूफ हैं, वो जो है वो सिर्फ पैसे बटोर रहा है। स्वाभाविक सी बात है, संघियों का साथ मिला। वो जो उसका प्रोड्यूसर है फिल्म का, वो तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, मिस्टर अग्रवाल, सब जानते हैं। तो ये लोग जो हैं, मोदी, शाह और कई भाजपा के मुख्यमंत्रियों का साथ लेकर के ये पैसे बटोर रहे हैं। 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की खबर आपने देखी होगी, उसके बावजूद ये व्यक्ति कहता है कि कश्मीरी पंडितों को देंगे नहीं देंगे कमाई होने के बाद। भाई ठीक है, उसका धंधा है, दे ना दे कोई बात नहीं, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। लेकिन अगर कोई, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी अगर मुफ्त में दिखाना चाहते हैं जनता को फिल्म, तो ये आदमी को इसलिए मिर्ची लगती है क्योंकि कमाई नहीं हो पाती है। मूल बात समझ लीजिए, ये रुपए बना रहा है, इसे ना आपसे मतलब, ना कश्मीर से मतलब, ना कश्मीरियों पंडितों से मतलब, ना मुसलमानों से मतलब, ना वहां हुए जो भी हालात थे 1990 या उसके बाद उससे मतलब। झूठी कहानी आपने देखे होंगे इंटरव्यू, कहता है कि मैं तो फैक्ट में मानता ही नहीं, जो भी होगा मैं दिखाऊंगा, यानी कि ये झूठ दिखाता है। और स्वाभाविक सी बात है, शोले फिल्म हो, आनंद फिल्म हो, या ऐसी कोई फिल्म हो, या गब्बर इज बैक हो, हर एक के अंदर लोगों के इमोशंस तो जगते ही हैं, चाहे वो रुदाली जैसी फिल्म हो, चाहे वो हंसने वाली हो, चाहे लड़ाई मारकाट हो। तो स्वाभाविक सी बात है, ट्रू स्टोरी के नाम पे झूठ परोसता हुआ एक झूठा इंसान आपके इमोशन से ना सिर्फ खेल रहा है लेकिन आपके पैसे बटोर रहा है। वरना भारतीय जनता पार्टी के नेता को यह नसीहत देना विवेक अग्निहोत्री द्वारा कि भैया फ्री में मत दिखाओ, टिकट खरीदवाओ, क्योंकि वही राष्ट्रवाद है कि कोई अपने जेब से पैसे दे और मेरी फिल्म देखे तो राष्ट्रवाद होगा। विवेक अग्निहोत्री, तुम्हारे जैसा बहुत सारा लोग जनता जानती है कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है। सवाल अब भारत से सिर्फ ये रहता है कि हे भारतवासियों, तुम कब तक चूतिया बनते रहोगे और अभी भी बन रहे हो? रो लो, क्योंकि उसके अंदर झूठ दिखाया है। सच दिखाया होता अगर तो इसकी फिल्म चलने के बजाय रेंग भी नहीं पाती। बट एनीवेज, जो बेवकूफ लोग हैं, कृपया पैसा दे करके इसकी फिल्म देखिए, क्योंकि ये पैसा बटोर रहा है राष्ट्रवाद के नाम पे काला धब्बा, क्योंकि इसका नाम ही है विवेक हग नहीं हो रही, नॉट अग्निहोत्री। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल, एनवी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा।